वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 8000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ कई सारी जानकारी देखने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं मिनिमम 33% के साथ, तो आप सभी लोग एलिजिबल होने वाले हैं पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से आ चुकी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपको आवेदन घर बैठे कैसे करना होगा बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, साथ ही साथ अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे तो आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें, और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के वीडियो को आखिरी तक देख सकें। पहली और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि आपको 8000 से भी ज़्यादा पदों पर बम्पर वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। साल 2022 के अंदर ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी होगी, आपको आगे मैं पूरी डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा पोस्ट नेम क्या रहेगा ये तो आगे हम नोटिफिकेशन पे चल के और ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के ही क्लियर करेंगे। आपकी एज अगर कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल के बीच में है तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अप्लीकेशन फीस और वेतन के बारे में आगे हम बात करेंगे। बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के आपका चयन होने वाला है, कैसे होगा, किस बेस पे होगा, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करने होंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, और मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब आ चुकी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, दिल से सपना है आपका पंचायती राज मंत्रालय को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचायती राज भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पर केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल 8000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के आपकी ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जहाँ पर वेतन आपको 25000 रुपये स्टार्टिंग का दिया जाएगा। और बात करें अगर एज के बारे में तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग घर बैठे निशुल्क आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको आवेदन कैसे करना होगा, कौन से फॉर्म को फिल करना होगा, कहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, कहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको आगे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। आपको आवेदन ऑनलाइन करने होंगे, जहाँ पर आपको टोटल 8067 कार्यपालक सहायक की पोस्ट वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग लिंक working.org की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आपको फुल्ली डिटेल में अपडेट दिया गया है। टोटल आपको 8067 पोस्टें देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको कार्यपालक सहायक की पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपकी जो उम्र है कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। देन इसके बाद आपको टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट मिलेगी, आप लोग क्लिक पे क्लिक करके जिस किसी भी
गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट होने वाला है। बात करें आप लोग कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सैलरी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इनके रूल के हिसाब से पे आउट दिया जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास है और मैक्सिमम यहाँ पे आपका 12th यानी कि इंटरमीडिएट रखा गया है। इसके बाद आपको आखिरी डेट से पहले अप्लाई जरूर से कर देना है। और यहाँ पे जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट नॉर्मली यहाँ पे बोला गया है, अभी क्लियर नहीं है, आपको आगे मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन, यहाँ पे आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे, लेकिन आपको अभी linkworking.org की साइट पे जाना है, बिकॉज वहाँ पे आपको फुल्ली तरीके से अपडेट दिया गया है। आपको यहाँ पे अप्लाई की बटन पे क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे आपको ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट दिख जाएगी, आपको यहाँ से सारी जानकारी चेकआउट करनी होगी। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, सारी जानकारी को देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यपालक सहायक की यहाँ पे पोस्टें हैं, जहाँ पे टोटल आपको 8067 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करेंगे और अक्रॉस इंडिया के अंदर आपका जॉब लोकेशन रखा गया है और अप्लाई मोड भी। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है, नीचे आने पर आपको देखने को मिल जाएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, बट आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि चुनाव के बाद जो है तो 8067 कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से अपडेट है, पंचायत चुनाव के बाद यानी कि जो अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। संविदा आधारित इस नियुक्ति को लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। चुनाव संपन्न होने के बाद वित्त विभाग और फिर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी, इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यपालक सहायकों का चयन किया जाएगा। सभी 8067 ग्राम पंचायत में दो दो कार्यपालक सहायकों के पद स्थापन को लेकर इनकी नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। अभी एक एक कार्यपालक सहायक ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं। पंचायतों में स्थापित RTPS काउंटरों को नियमित रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर और एक एक कार्यपालक की नियुक्ति और इसके बाद यहाँ पे बोला गया है होनी है। और इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिए जाते हैं, इसीलिए RTPS काउंटर के लिए एक अलग से कार्यपालक सहायक की तैनाती की जानी है, ताकि RTPS काउंटर का काम प्रभावित नहीं हो और नियमित रूप से यहाँ से लोगों को सेवा मिले। वर्तमान में करीब 7700 कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं, जबकि पंचायतों की संख्या 8067 है। इसको देखते हुए कई कार्यपालक सहायकों को दो दो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग को जिलों के निर्देश के लिए प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे अनिवार्य रूप से सभी पंचायतों में RTPS काउंटर खुलेंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे आपको जो है तो रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है और यहाँ पे जो आपके ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वो आ चुके हैं, इनके होते ही ये भर्ती संपन्न कराई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जैसे ही कोई ऑथेंटिक जानकारी आए, फुल ओरिजिनल अपडेट आए, आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।